हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रणय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ नया जो MIUI का थीम है वो शेयर करने वाला हूँ। MIUI 11 MIUI 12 दोनों ही वर्सन के अंदर काम कर जाएगा। एंड सब जो थीम्स दोस्तों थीम स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। हमारे पास जो फोन है दोस्तों लेजेंडरी पोको फोन है, इसके अंदर हमने सभी थीम्स को जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो एक क्या वैसा कैमरा आ गया, तो सिंपली चलते दोस्तों अपना सेटिंग्स के अंदर एंड देख लीजिए हमारे फोन के ऊपर अभी फिलहाल MIUI 12.0.3 ग्लोबल स्टेबल वर्सन रनिंग कर रहा है। एंड सभी जो थीम्स आपका थीम स्टोर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी थीम्स का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप थीम्स को डाउनलोड कर लीजिए। सो यहाँ पर देख पा रहे हो। तो सबसे पहले जो थीम है दोस्तों उसके साथ हम शुरुआत करते हैं। इस थीम का नाम है मोशन। सो इस वीडियो के दौरान मैं टोटल 6 थीम को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो थीम है दोस्तों 9.5 MB के आसपास है, जस्टिन खान की तरफ से जो थीम है हम देखने को मिलता है। एंड इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपका जो स्टेटस बार है चेंज हो जाएगा। देख ही पा रहे हो आपका जो स्टेटस बार है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर जो आपका विजेट है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको वेदर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बैटरी देखने को मिलेगा, बट जो यहाँ पर फोन है तो बाहर चल जा रहा है। जो आइकन्स है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो आइकन्स पैक मेरे को लगी है काफी बढ़िया लगी है, बट जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर बढ़िया तरीके से तो जो आइकन्स है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर बात करो वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम्स के अंदर नो चेंजेस एट ऑल। एंड आपका जो स्टेटस बार है वो देखिए काफी चेंजेस हो गया है। स्टेटस बार देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, काफी यूनिक सा हमें यहाँ पर जो स्टेटस बार है वो देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो आपका ब्राइटनेस बैटरी आइकॉन है, जो आपका टावर है वो देख लीजिए कुछ इस तरह से सिग्नल जो है। चलते सीरीज के अंदर, एंड सीरीज के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल गया है। देखिए पर जो साइड में जो आइकन है उस पर चेंजेस हमें देखने को मिला है, एंड काफी मस्त सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देख लेते हैं MIUI 11 के अंदर कैसे, सॉरी MIUI 12 के अंदर किस तरह से हमें देखने को मिलता है। सो MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे हम इनेबल कर लेते हैं। तो यस, हमने MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर इनेबल कर लिया है। एंड नाउ बूम भाई साहब, देखिए MIUI 12 के कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, काफी बढ़िया हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। एंड अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से है दोस्तों, एनिमेटेड लॉक स्क्रीन है। वाओ भाई साहब, काफी बढ़िया है, मेरे को तो काफी मस्त लगा है। आपको कैसा लगा लेट मी नो। एंड यहाँ पर हमें और भी बहुत से ऑप्शन है अलग अलग दोस्तों। यहाँ पर अब जो वॉल पर है उसे आप डाल पाओगे। क्लोजिंग एनिमेशन, व्हाइट क्लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, मेरे को तो काफी बढ़िया लगा है। सो ये जो थीम है डेफिनेटली ट्राई करके देखना चाहिए, आपको काफी मस्त लगने वाला है ये थीम। एंड बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम के अंदर। सभी थीम को अप्लाई करने के बाद एक बार जरूर से फोन को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। एंड अपना जो डायलर है इस थीम के अंदर डायलर जो है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड अपना मैसिंग एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह से हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। मैसिंग एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट जो थीम है दोस्तों ये डार्क लवर के लिए, इस थीम का नाम है डार्क फोन। अगेन 90 MB के आसपास, 9 MB के आसपास है। एलेक्स उल्फ डॉक करके जो डेवलपर है उसके अंदर ये जो थीम है वो इसे डिजाइन किया है। एंड काफी हद तक दोस्तों आपको यहाँ पर जो iOS थीम है उसका फील मिलेगा, स्पेशली जो विजेट है उसको देखने के बाद। एंड यहाँ पर बोल रहा है डबल टैप करने से जो विजेट है चेंज होता है, देखो चेंज हो गया। सो आप विजेट को चेंज भी कर सकते हो, देख पा रहे हो। एंड जो आइकॉन पैक है वो देख लीजिए कुछ इस तरह से हमें आइकॉन पैक देखने को मिल जाती है इस थीम के अंदर। एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर भी दोस्तों ये जो आइकॉन पैक है चेंज कर लेता है थोड़ा बहुत, देखिए मारो, बट इतना बढ़िया नहीं है इसका आइकॉन पैक। देखिए जो आइकॉन पैक है वो देखिए इतना बढ़िया मेरे को नहीं लगा है। इस आइकॉन पैक के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। बट अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो ये जो थीम आपको पसंद आने वाला है। स्टेटस बार के अंदर नो चेंजेस एट ऑल। एंड चलते सेटिंग्स के अंदर। ओके, सेटिंग्स मेनू की अगर बात करूँ ज्यादा कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। वॉल्यूम पैनल भी ऑलमोस्ट सेम है। अभी डार्क मोड को इनेबल करके देखते हैं। चलो हमने यहाँ पर जो डार्क मोड है उसे इनेबल कर लिया है, अभी देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। नो के अभी भी ज्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो ये जो थीम है आपको पसंद आने वाला है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अभी डार्क मोड को ऑफ कर देते हैं। बाय द वे स्टेटस बार के अंदर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड जो अपना स्टेटस बार है, स्टेटस बार जो है अपना कुछ कुछ देखने को मिलेगा। आइकॉन्स जो है अपना जो डायलर है वो भी यहाँ पर इस थीम के अंदर चेंज हो जाता है, डायलर भी आप देख सकते हो। एंड मैसिंग के अगर बात करूँ तो मैसिंग के अंदर कोई भी चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सो ये तो हो गया डार्क थीम। नेक्स्ट थीम का नाम है लूना वर्सन 12 एंड्रॉयड 12 के लिए स्पेशली है, 16 MB के आसपास है।
एंड बूम थीम को हमने अप्लाई कर दिया है। एंड थीम को अप्लाई करने के बाद आपको जो सरसवार है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एंड वाओ भाई साहब क्या है, वाओ कंट्रोल सेंटर देखिए भाई साहब, एक नंबर कंट्रोल सेंटर है भाई साहब, एकदम झक्कास सा कंट्रोल सेंटर है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत दोस्तों कार्टूनिश फील मिलेगा, एनिमे की फील डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर काफ़ी मस्त है एंड जो आइकॉन्स है वो भी देखिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया आइकॉन्स हमें देखने को मिल जाती है एंड फनी है भाई साहब, काफ़ी मस्त आइकॉन है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप यू कैन सी इट, जो आइकॉन्स है काफ़ी बढ़िया बढ़िया आइकॉन्स पैक एंड काफ़ी यूनिक आइकॉन पैक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड वॉल्यूम्स जो है वो भी थोड़ा बहुत दोस्तों चेंजेस हो गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड पीछे दोस्तों यहाँ पर जो हमें एनिमेशन देखने को मिलता है ये भी काफ़ी मस्त सा है। एंड पीछे जो वॉलपेपर है वो भी हमें यहाँ पर चेंज हो जाती है, इसकी देखिए बारो चलते सीरीज के अंदर। एंड ओके सीरीज जो है वो भी यहाँ पर चेंजेस हो गया है, देखिए बारो सीरीज जो है हमारा कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। एंड अबाउट जो है कुछ इस तरह से है, काफ़ी प्यारा सा है। अगर बात करूँ लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन वाओ गजब है भाई साहब, लॉक स्क्रीन देखिए बारो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, काफ़ी मस्त लॉक स्क्रीन हमें देखने को मिल जाती है इस थीम की तरफ से। मेरे को ये जो थीम है काफ़ी पसंद है, जैसे कि देखिए बारो एंड एमआई 11 के साथ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है इसका सेटअप बार, बढ़िया है भाई सब, नो इश्यू एट ऑल। एंड आपका जो डायलर है दोस्तों, डायलर के साथ भी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, बढ़िया है। एंड डेफिनेटली दोस्तों जो थीम है आपको पसंद आने वाला है, अगर आपको थोड़ा बहुत एनिमे भी पसंद है। सो नेक्स्ट थीम के अंदर बढ़ते दोस्तों, इस थीम का नाम है कैंडी, 5.7 MB के आसपास है। एंड जो थीम है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, अप्लाई होने के बाद पीछे का जो वॉलपेपर है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो विजेट हो भी देखने को मिल जाती है। बैटरी इंडिकेटर देखिए, वाईफाई के सिग्नल देखिए एंड जो थीम है तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आइकॉन्स है देखिए बारो मस्त है भाई साहब, यहाँ पर कैंडी जो थीम है काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक दिया गया है, जैसे कि देख पा रहे हो जो थीम है इस थीम के अंदर आपको मिनिमलिस्टिक लुक डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। एंड सभी जो आइकॉन्स पैक उसके अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों जो थीम है अप्लाई हो ही जाता है। एंड जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा है, ब्लू कलर के ऊपर हमें देखने को मिलता है, देखिए बारो सेटिंग्स मेनू किस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड अबाउट फोन की बात करूँ, अबाउट फोन कुछ इस तरह से है एंड मस्त है भाई साहब। एंड कंट्रोल सेंटर की अगर बात कर लेते हैं तो कंट्रोल सेंटर के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला है, बट जो कलर है कंट्रोल सेंटर के अंदर उससे हमें चेंजेस देखने को मिल गया है। एंड ऊपर जो सरस बार है वो भी चेंजेस हो गया है। एंड लॉक स्क्रीन की अगर बात कर लेते हैं तो लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाती है एंड बढ़िया है भाई सब, देखिए मारो एकदम दोस्तों मिनिमलिस्टिक लुक हमें कैंडी जो थीम है इसके अंदर से देखने को मिलता है। एंड देखिए मारो बाकी दोस्तों आपका जो डायलर है, डायलर के अंदर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, सो डायलर भी हमें मस्त देखने को मिल जाती है। मैसिंग एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह से, जो कलर है इसके अंदर चूज किया गया इस थीम के अंदर वो ब्लू कलर है, जो कि काफ़ी मस्त है। एंड डेफिनेटली दोस्तों जो थीम है सबको ट्राई करके देखना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट थीम के अंदर, इस थीम का नाम है फ्रेम, 7.9 MB के आसपास है। जैसिन खान की तरफ से जो थीम है देखने को मिल गया है, पीछे वॉलपेपर देख पाओगे, स्पेस का वॉलपेपर है। एंड सरस बार देखिए कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, लाइट विजेट देखने को मिल जाती है। एंड जो आइकॉन्स है वो भी कुछ इस तरह से हमें आइकॉन पैक जो है देखने को मिल जाती है, आइकॉन पैक के रिलेटेड नो इश्यू एट ऑल। एंड यहाँ पर आपको इस थीम के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलेगा, 3D जो डेप्थ इफेक्ट होता है दोस्तों, ऐसा लगेगा ये जो आइकॉन्स है दोस्तों इसके इस फ्रेम के अंदर है, जिसके साथ आपको जो डेप्थ इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। एंड चलते सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर भी जो आइकॉन्स है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल गया है थोड़ा बहुत। एंड वॉल्यूम्स की बात करूँ, नो चेंजेस एट ऑल। लॉक स्क्रीन की अगर बात कर लेते हैं तो लॉक स्क्रीन के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत दोस्तों आपको जो एनिमेशन देखने को मिल जाती है। एंड अगेन यहाँ पर जो आपका बैटरी कैपेसिटी हो वो सब दिखाएगा, काफ़ी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली इस थीम को भी आपको ट्राई करके देखना चाहिए, सभी थीम्स का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हो। एंड आपका जो डायलर है डायलर के साथ यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिलता है एंड सेम टू सेम ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट थीम के अंदर, जो इस वीडियो के अंदर सबसे प्यारा थीम है, सबसे अच्छा मेरे को जो लगा इस थीम का नाम है फ्यूचर iOS 15.1 MB के आसपास से। एंड इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपको डेफिनेटली आपका जो फोन है उसे रिबूट करना होगा, वरना एक्चुअली सभी थीम को अप्लाई करने के बाद आपका जो फोन है उसे रिबूट कर लीजिए तो आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। तो थीम जो है सभी प्लेस के अंदर बराबर तरीके से अप्लाई हो जाएगा। सो सभी थीम्स का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना।
यहाँ पर जो हमारा फोन है रिबूट हो चुका है। रिबूट होने के बाद देखिए जो थीम है किस तरह से हम देखने को मिलता है। पीछे आप वॉल पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आइकन से आप देख सकते हो, एंड जो स्टेटस बार है स्टेटस बार के साथ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है इस थीम। एंड आइकन पैक देखिए काफ़ी अच्छे से आपको जो iOS है उसकी फील डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। एंड आपका जो लॉक स्क्रीन है लॉक स्क्रीन के साथ जो है काफ़ी मस्त दिखता है भाई साहब, बैटरी लेवल दिखाएगा, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है। जो आपका वॉल्यूम जो आपका म्यूजिक पैनल है म्यूजिक जो है आप यहाँ से देख सकते हो। एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया थीम है। तो सभी थीम्स का जो डाउनलोडिंग है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप थीम्स को चेकआउट करके देख सकते हो। एंड अगर बात करो डायलर की तो डायलर के अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है इस फ्यूचर iOS थीम के अंदर। एंड होपफुली वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कौन सा थीम सबसे बढ़िया लगा लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, बाई।